कह रही हूँ ये मैसेज ऑनलाइन मेरे पति के लिए, किसी गलत फहमी में मत रहे, किसी भी गलत फहमी में मत रहे। मैं चाहे कितनी भी अच्छी हो पर दायरे में आया तू तो जितनी अच्छी हूँ मैं उतनी बुरी बन के दिखा दूंगी। ठीक तो भाई मैं पार्लर में आ गई हूँ, ये मॉर्निंग के बजे 9 सफाई हो रही है, ये बिल मेरा इतना बिठा देते हैं। सो भाई अपनी नई कंपनी आराटेक्स विग हाउस है, ऑल ओवर इंडिया विग्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी, बिल्कुल ह्यूमन बाल है। बट ये बात करने के लिए मैं भी नहीं आई थी, इसके लिए तो मैं करती रहूँगी और ब्लॉग के एंड में भी आपको मिलेगी। अभी एक बहन ने मुझे कमेंट किया कि अब आपका हस्बैंड आपको देख के पछताता होगा क्योंकि अभी मैं पतली हो गई। ये देखो है ना, पहले मैं बहुत मोटी थी, अभी मैं पतली हो गई। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने अपने हस्बैंड से शादी की थी ना तब मैं मोटी नहीं थी, मैं बहुत पतली अच्छी थी। आज जो डेट जिस वेट पे हूँ ना उससे 9 किलो पीछे थी, आज मैं 69-70 ऐसी घूम रही हूँ। बट जब मैंने अपने पति से शादी की तब मैं 60 kg की थी, तो मैं मोटी नहीं थी नंबर वन बात, जवान थी नंबर टू बात, खूबसूरत थी नंबर थ्री बात। उसके प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका ध्यान रखने में मैंने अपने आप को खो दिया था। जब से वो गया मेरे जीवन से, शुरुआत में डिप्रेशन हुआ, कुछ टाइम के बाद मैंने अपने आप को पाया। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसने, उसको दिख रही थी कि मैं खूबसूरत थी, पतली थी, अच्छी दिख रही थी, जवान थी, मोटी भी नहीं थी। उसने मुझे कैसे भद्दा बदसूरत बनाता चला गया, उसकी ड्यूटी थी कि मेरे को प्यार करे। तो ये कई बार मैं कई आदमियों के लिए भी वीडियो बना रही हूँ, भाई अपनी बीबी को अगर तुमको ऐश्वर्या राय जैसी बीबी चाहिए, हालांकि देखो भाई सुनने में कुछ, अगर मैं मीडिया की बात सुनूं, मीडिया की बात में तो ये आ रहा है कि अभिषेक ने ऐश्वर्या राय को चीट किया और इन दोनों के भी रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, तो विश्व सुंदरी का भी पति उसका नहीं हो पाया, तो हमारा क्या हो पाएगा? जब विश्व सुंदरी का पति उसको चीट कर रहा है, उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या पकड़ पाएगा? तो लास्ट में मैंने एक ही चीज़ सीखी है, एक तो नंबर बात सबके संस्कारों की बात होती है, दूसरी चीज़ जो होती है औरत को अपना ध्यान रखना कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि इस केस में आदमी, फिर भी कुछ कुछ आदमी होते हैं जो परिवार में अपने आप भूलते पर सब नहीं होते, क्योंकि वो बाहर सोसाइटीज़ में इंटरेक्ट करते हैं। तो भाई कोई किसी के छोड़ने से नहीं पछताता है, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं ना, उसने मुझे जब छोड़ा डिच किया ना वो पछताया, ना आज की डेट में मैं पछताती, ना वो आना चाहता, ना मैं जाना चाहती। और मैं तो सच्ची बताऊँ, अगर ये वीडियो वो देख रहा हो तो भाई तो दूसरी शादी कर, अपना बच्चा कर, अपना परिवार बसा, क्योंकि मैं अपने बच्चे नहीं दूंगी तुझे, तू धरती जाके इधर की उधर कर ले, है ना। ताम दाम दंद बेड जो निशा को करना पड़ेगा अपने बच्चों को पाने के लिए वो सारा करेगी, वो सारा करेगी, है ना। तू मुझे बहुत अच्छे से पहचानता है मेरे पति देव, तू मुझे बहुत अच्छे से पहचानता है, तू सोच रहा है कि तुझे बच्ची मिल जाएगी, तुझे बच्ची नहीं मिलेगी, हर तरीके से बच्ची मेरे पास रहेगी। और अगर बाद में कुछ टाइम के बाद जाके बच्ची तेरे पास आती भी है तो पछतावा तो करवा दूंगी मैं, मेरी बच्ची से दूर है, मैं बहुत ऊंट औरत हूँ। ठीक है, अपने बच्चे करो, कति तुम्हारी शादी में आके नाच के भी जाऊंगी, ठीक है, खुशी बना के जाऊंगी। अपने शादी करो, दूसरी बच्ची करो और बच्चे करो, इस बार बच्चा लड़का ही हो जाएगा, चिंता ना करो, दूसरी औरत से अपने बच्चे करो, एंजॉय करो। और अपनी बहनों को ये कहूँगी, दुनिया में कोई किसी को छोड़ के नहीं पछताता है, और मैं चाहती भी नहीं वो मुझे छोड़ के पछताए। मैंने उसके लिए अपने आप को चेंज नहीं किया, मैंने अपने आप को अपने लिए चेंज किया। जब भी अगर आप किसी को दिखाने के लिए अपने आप को चेंज करते हो ना, उस चेंज की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने अपने आप को चेंज करना चाहा, 100% आयुर्वेदिक वेट लॉस से मैंने चेंज किया। नंबर तो मैं दे दूंगी नीचे, बट यहाँ पे मैं वीडियो बनाने आई थी उस बहन के लिए जो ये, या उस मेंटलिटी के लिए जो ये सोचते हैं कि हम किसी को दिखाने के लिए चेंज हो रहे थे ना। भाई मैं नहीं होती किसी को दिखाने के लिए चेंज, मैं अपने लिए चेंज हुई हूँ, अपनी ज़िंदगी में खालीपन को भरने के लिए चेंज हुई हूँ। अगर ये दुकान खाली है पर मैं खाली नहीं हूँ, मैं भरी हुई हूँ ये दुकान खाली होते हुए भी, क्योंकि मेरी आत्मा तृप्त हो रखी है। अभी जो मुझे एक केवल माइंड में टेंशन आती है, देखो एक ही टेंशन है, वैसे तो मैं जाने नहीं दूंगी बच्ची को,
बट फिर भी अगर कल को बच्ची मुझे छोड़ के चली गई इतना सब कुछ करते हुए भी, तो भाई कल की कल दिखाऊंगी, क्योंकि अपना तो यूट्यूब छोड़ेंगे नहीं अमृत यूट्यूब छोड़ेंगे। फिर तुमको एक आज जो अच्छी निशाना तुमको, फिर मैं गंदी निशा दिखाऊंगा। अभी मैं किसी को नहीं छेड़ रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये मैसेज ऑनलाइन मेरे पति के लिए, भाई शादी कर दूसरी, ठीक है, किसी गलतफहमी में मत रह, किसी भी गलतफहमी में मत रह कि तुझे कुछ मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, और दूर हो जा, दूर अपना परिवार बसा। हम मुंह दिखाई देने आएंगे या हमारी तरफ से मुंह दिखाई पेटीएम हो जाएगी, अपना बच्चा करो, लड़का करो और दूर हो हमारी बच्चियों से, वहाँ पे बात कैसी भी ले लो, धमकी दे रही है निशा लम्बा, आने की कोशिश करना मत, तुझे पता मेरे जीवन में तो तू आ नहीं सकता, तूने जो जो कांड मेरे साथ किए, दूसरे के जीवन में आने से पहले मैं तो तुझे कच्चा खा के पार जाऊंगी कच्चा खा के, वेजिटेरियन हूँ है ना। एक टाइम पे मैं कई लोग को लगता था कि मैं नॉनवेज के ओनली वेजिटेरियन, नहीं मैं एक टाइम पे मैं बहुत पापी हो रही थी, मैंने नॉनवेज भी खाया, पर मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई। कुछ सालों से मैं वेजिटेरियन हुई हूँ, मान लो 4-5 साल से मैं धर्म की राह में वेजिटेरियन, धार्मिक तो मैं पहले भी थी, पर मैं नॉनवेज खा लेती थी कभी कभार वंस अ व्हाइल, और जिम में खिलवा देते हैं, बोलते ना जिम वाले मैडम प्रोटीन मिलेगा, अरे ऐसे तैसी प्रोटीन की किसी इंसान को खाओ, जीव को खाओ, आत्मा मर जाती है भाई। अब मेरे से पूछो मेरी आत्मा कितनी खुश रहती है, मैं किसी को नहीं खाती हूँ, किसी जानवर को खा के क्या इंसान क्या प्रोटीन पालोगे, थोड़ा कम प्रोटीन रख लो, प्रोटीन रखने के बहुत तरीके हैं, घना प्रोटीन चाहिए तो अपने डाइटिशियन से पूछो कैसे प्रोटीन आ सकता है, अपने हद इंसान किसी जानवर को खा के मुर्गा पाड़ के मान, और कई 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 दो 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 तीन तीन किलो के मुर्गे खाते, कहते वजन कैसे कम, वजन नहीं कम होगा, 2 किलो तुम्हारे अंदर गया, मैं तो ऐसे ही बोल देती हूँ, बट इंसान बन के रहो। बट ये तो जहाँ से शुरू हुआ था वो ये शुरू हुआ था कि मैं चाहे कितनी भी अच्छी हो, मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, पर अगर मेरी दायरे में आया तू तो जितनी अच्छी हूँ मैं उतनी बुरी बन के दिखा दूँगी, ठीक है, दूर रहो हमारे दायरे से, हमें काम करने दो, जय माता दी। और कई लोग कहते हैं कि अपने पति का बदनामी करती हूँ, बताओ मेरे पति का नाम क्या है भाई, नाम पता क्यों नहीं लेती हो, नहीं लेती मैं, चाहिए ही नहीं, उसके नाम का फेम ही नहीं चाहिए, वो फेम थोड़ी है मेरे लिए, जहर है जहर, हम नहीं लेते उसके नाम का फेम, हम नहीं लेते उसका नाम, हम नहीं कर रहे उसका नाम बदनाम, पर जब हम पे अटैक करेगा या कुछ करेगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए करता है। ये वीडियो भी मैंने किसी ना किसी रीज़न से बनाई होगी, कोई मेरे को पीछे से परेशानी आ रही होगी तो मैंने बनाई होगी, तो उसकी उस परेशानी को निकालने के लिए, कि अगर चाहता नहीं है कि मैं उसके ऊपर तांडव करूँ, चाहता नहीं है कि वो साइड हो जाए, तो भाई मेरी बच्चियों से दूर रहे, अपनी दूसरी शादी करे, अपना बच्चा करे, बेटा करे, माता रानी करे, सो बेटा बेटा चाहिए, बेटा बेटा करे और आगे बढ़े, है ना। मुझे मेरी बच्चियों के साथ रहने दे, क्योंकि मुझे ज़्यादा छेड़ो मत, मैं नहीं छिड़ना चाहती हूँ तुमसे मैं छिड़ ली तेरे से अब मुझे नहीं चाहिए, है ना, तो पछतावा मत करो, चलते चलो आगे, माता रानी आपको तरक्की दे। अगर आप दूसरी शादी करते हो तो मेरी तरफ से भी मुंह दिखाई अच्छी अमाउंट की आएगी, अच्छा पैसा की अमाउंट दिखाई करूँगी कि चलो पीछा छूटा, ओके। और यहाँ पे भाई मेरी मैंने एक विग हाउस का कंपनी सेटअप की है, विच इज़ आरटेक्स, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड विग ट्रांसफ़र करेगी कैंसर पेशेंट्स को, कैंसर जिनको रखा उनके लिए, तो मैं आगे जाके वीडियो में दिखा दूँगी। ऑल ओवर इंडिया की फैसिलिटी अवेलेबल है, वरना आप इन हाउस आइए, इन हाउस आके अपनी विग को ट्राई कीजिए, जो आपको अच्छी लगे वो अवेलेबल कराइए, 100% ह्यूमन बाल है। आई लव यू ऑल और आई डोंट हेट एनी वन, तुमको भी मैं नफरत नहीं करती, बट मुझे छेड़ोगे, मुझे मारोगे, मुझे ऐसी तैसी करोगे तो भाई मैं भी इंसान हूँ, मैंने कोई देवी का चोला नहीं पहन रखा, काम करो और अपना आगे बढ़ो। तो भाई मैं पार्लर से अभी घर की तरफ जा, आ जाए होली अष्टमी, और मैं भूल गई थी कि आज होली अष्टमी है,
अब मेरी मम्मी मुझे याद दिलाती है, मेरी मम्मी कह रही है मैंने कल बोला था पर मुझे ध्यान नहीं रहा, तो गलती हो गई रखी अपने से। छोटी सी हमने सुबह सुबह उठ के चाय पी ली। मांगू गया माँ क्या मांगना है? बोली गणेश जी मुझे आप है ना सोने के चम्मच। बोले बुढ़िया माँ लूट लिया जैसे गणेश जी ने बुढ़िया माँ को दिया, वैसे गणेश सबकी इच्छा पूरी करे, सबको ऐसे ही दे। पार्लर में आ जाऊंगी वापस, पर फ्राइडे सैटरडे में हिसार में रहूंगी। सैटरडे के दिन शायद शाम ही हो जाएगी, दयाराम दिन में एनुअल डे होगा तो शाम हो जाएगी, तो सैटरडे भी नहीं होंगी मैं, संडे होंगी पार्लर में। तो कल जा रहे देवांशी और आराकी ने जो मेहनत की है उनका फल पा रहे हैं हम लोग, फल हमें मिलेगा, मेहनत वो कर रहे हैं। तो कल चलते हैं, ठीक है। और बालों का टेक्सचर मिलेगा 100% ह्यूमन। कलर क्लाइंट के सामने सॉफ्ट ब्राउन कलर उनको चाहिए, बहुत हैवी कलर नहीं चाहिए। सो हम लोग रेडी कर रहे हैं कैंसर पेशेंट के लिए भी, बिग रेडी होते हैं, मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको भी एलोपेशिया या विग या कैंसर कीमोथेरेपी में प्रॉब्लम है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, एल्स हमारे सैलून में आके विजिट कर सकते हैं, अपने फेस पे लगवा के देख सकते हैं कि आपको कंफर्टेबल है नहीं, वरना हम आपके पास वीडियो कॉल करके भी आपके घर तक विग को अरेंज करवा देंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड विग फैसिलिटी अवेलेबल है। बेस आपको हम सिल्क बेस भी देते हैं, नग बेस भी देते हैं और फ्रंटल भी देते हैं, वो आपके ऊपर होता है। सबसे अच्छा मुझे ये सिल्क बेस लगता है। नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम अटैच कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीट मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा।